हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल UTT नेटवर्क। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश रिवीजन क्लासेस के देर 30 के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए बिल्कुल समय को देर ना करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ क्विट्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट क्विट्स है यहाँ पे अंडर एडवर्ब्स कंडीशंस सम पीपल ब्रेक डाउन सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। जी हाँ, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नथिंग इज डन बाय ड्रीम ओनली सक्सेस इज अचीव्ड दो एफर्ट्स। जी हाँ, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेवर गिव अप टूडे इज हार्ड टुमारो विल बी वर्स बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। जी हाँ, कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट के कुछ सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बिल्कुल समय को देना यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे कृपया क्षमा कीजिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एक्सक्यूज मी प्लीज़। नेक्स्ट है यहाँ पे कृपया प्रतीक्षा कीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ वेट। थर्ड है यहाँ पे कृपया अपना कलम दें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी योर पेन प्लीज़। फोर्थ सेंटेंस है यहाँ पे कृपया अंदर आइए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम इन प्लीज़। फिफ्थ सेंटेंस है कृपया जल्दी कीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप प्लीज़। सिक्स सेंटेंस है कृपया धीमे बोलें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टॉक सॉफ्टली प्लीज़। सेवन सेंटेंस है कृपया शीघ्र उत्तर दें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ रिप्लाई सून। एट सेंटेंस है वापस आइए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कम बैक। नेक्स्ट यहाँ पे नाइन सेंटेंस है जाने दीजिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। टेन सेंटेंस है यहाँ पे कृपया कल आना ना भूलें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो। इलेवन सेंटेंस है यहाँ पे क्या आप खिसकने का कष्ट करेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू माइंड टू मूव। ट्वेल्व सेंटेंस है यहाँ पे क्या आप मुझे परसों मिलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू मीट मी डे आफ्टर टुमारो। थर्टीन सेंटेंस है फिर से कहिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई बेग योर पार्डन। फोर्टीन सेंटेंस है सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आर रिक्वेस्ट टू रीच इन टाइम। फिफ्टीन सेंटेंस है उन्हें आराम करने दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट देम रिलैक्स। सिक्सटीन सेंटेंस है क्या आप मेरा एक काम करोगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू मी ए फेवरेट फेवर। तो ये तो दोस्तों हमारी आज की इंग्लिश रिवीजन क्लासेस, जिसमें आज हमने बात करी कुछ रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना के बारे में, सेंटेंस के बारे में। मिलेंगे नई वीडियो में। दोस्तों क्या करना है आपको, सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।